हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं बिना लहसुन प्याज की भंडारे वाली खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। आइए चलते हैं किचन में। तड़के के लिए हींग, सूखा धनिया और कसूरी मेथी ले लें। एक टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करें और उसमें सभी ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दें। लो फ्लेम पर स्पाइसेस को गोल्डन होने तक फ्राई करें। जब स्पाइसेस गोल्डन हो जाएं और उनसे खुशबू आने लग जाए तो उसमें कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च ऐड करें। ये कद्दू की सब्जी बहुत यम्मी बनती है और पूरी और पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। स्पाइसेस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसमें कद्दू यानी पम्पकिन के पीसेस ऐड कर दें। कद्दू के पीसेस को मसालों के साथ टॉस करें। ये सब्जी बहुत झटपट बन जाती है। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया, अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करें। कद्दू के पीसेस को मसालों के साथ अच्छे से टॉस कर लें। अब कढ़ाई को ढक दें और सब्जी को लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने दें। 10 मिनट बाद कढ़ाई को अनकवर करें। एक बार सब्जी को स्टर करें। इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने दें ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, एक टिप बताती हूँ, जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाएं, बाकी मसालों के साथ नमक, मीठा और अमचूर मत ऐड करें। जब कद्दू सॉफ्ट हो जाए और पानी ड्राई हो जाए तब उसमें नमक, अमचूर और शक्कर या चीनी अपने स्वादानुसार ऐड करें। शुरू में नमक या चीनी डालने से कद्दू का कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, बाद में डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है, कुकिंग टाइम भी कम लगता है। अब इस सीजनिंग को मिक्स करें। ये कुकिंग लो फ्लेम पर ही करें। हमने कद्दू में कोई पानी नहीं ऐड किया, कद्दू इटसेल्फ अपना पानी छोड़ देता है। इसे लो फ्लेम पर पकने दें। धीरे धीरे ये पानी ड्राई हो जाएगा और सभी फ्लेवर्स कद्दू में आ जाएंगे। अब कद्दू का पानी वेपोरेट हो गया और मैशी कंसिस्टेंसी होगी। इसमें थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर और गरम मसाला ऐड करें। हरा धनिया डालकर फिनिश करें। फ्लेम को स्विच ऑफ कर दें। कद्दू की खट्टी मीठी मज़ेदार सब्जी को पूरी या परांठे के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड